नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बांका। चलिए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। बांका जिले के समूहगंज थाना क्षेत्र के नरोन गांव में बुधवार की देर रात लूट की योजना बनाने के दौरान बम फटने से सिकंदर प्रसाद सिंह के 30 वर्षीय आनंदी कुमार सिंह की मौत हो गई। इस घटना में आधा दर्जन अपराधी के जख्मी होने की सूचना है। सभी जख्मी फरार हो गए। थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद ने भी युवक के मौत की पुष्टि की है। आनंदी कुमार गांव के बाहर चौराहे पर अपने 4-5 साथियों के साथ बम से लैस होकर लूट की घटना को अंजाम देने में पूर्व शराब की पार्टी कर रहे थे। नशे में धुत आनंदी कुमार जैसे ही शौच करने के लिए उठा तो लड़खड़ाकर गिर गया। उसके गिरते ही पास में रखा बम विस्फोट हो गया। जख्मी आनंदी को उसके साथ अस्पताल लेकर जाने लगे तो उसकी मौत हो गई। उसके सभी साथी फरार हो गए। सूचना पर थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अपराधियों द्वारा साक्ष्य मिटाने के लिए पानी डालने की पुष्टि हुई है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद ने बताया कि मामले की जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारी को दे दी गई है। साक्ष्य के लिए स्वयं दास्ता से जांच कराई जाएगी। हालांकि पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस घटना में जख्मी लोगों की खोज कर रही है। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन को पूर्ण रूप से रोकने के लिए पुलिस निरीक्षक वकील प्रसाद यादव एवं थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय के द्वारा विभिन्न बालू घाटों पर छापेमारी अभियान चलाई गई, जहां सलेमपुर स्कूल के समीप बालू लदी दो ट्रैक्टर को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। हालांकि पुलिस वाहन को देखकर ट्रैक्टर चालक अपनी वाहन छोड़कर फरार होने लगे, लेकिन थानाध्यक्ष ने खदेड़कर एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चालक महमदपुर गांव निवासी छोटू कुमार बताया गया। मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि अवैध खनन रोकना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। गुप्त सूचना मिली कि कुछ बालू माफिया अवैध घाटों से बालू उठाव की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सूचना मिलते ही क्षेत्र के मादाचक चौकर एवं मालदेवचक घाटों पर छापेमारी किया जा रहा है। जब्त वाहनों के खिलाफ खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई किया जा रहा है। बांका जिले के पंचवारा थाना में गुरुवार को सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड के दो जवानों को विदाई दी गई। जवान मंचन जेटी और गोवर्धन मंडल को पंचवारा थाना परिषद में आयोजित विदाई समारोह में सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर उन्हें थानाध्यक्ष मुरलीधर शाह ने फूलमाला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर पंचवारा थानाध्यक्ष मुरलीधर शाह ने कहा, सेवानिवृत्ति भी नौकरी का एक अहम हिस्सा होता है। उन्होंने दोनों जवानों को उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। मौके पर एसआई अरविंद कुमार सिंह, जेएसआई मुकेश सिंह, जेएसआई मनोज सिंह, प्रशिक्षु दरोगा सत्यजीत कुमार, होमगार्ड के जवान विनोद यादव, कैलाश यादव, अनिरुद्ध यादव, मदन मोहन मंडल सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार के दिन दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से रेफरल अस्पताल में प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी, बीडीओ राकेश कुमार समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। शिविर में अमरपुर, बहसागंज, बनहारा, डटवाटी समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग पहुंचकर विकलांग पेंशन हेतु आवेदन दिया। मौके पर बीडीओ ने बताया कि शिविर में दिव्यांगों का जांच डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। दिव्यांगों को चिन्हित करते हुए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही जिन भी दिव्यांगों को आवास, राशन कार्ड या किसी तरह की शिकायत है तो वैसे दिव्यांग से शिकायत फॉर्म जमा लिया जा रहा है। इन्होंने बताया कि दिव्यांगों को तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। अगर किसी भी दिव्यांगों को पेंशन संबंधित कोई शिकायत है तो वह भी फॉर्म दे सकता है।